ला करके ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए, और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर, और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था, और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में और सभी संसदीय बोर्ड के सदस्यों के बीच में हमारी आज बैठक हुई। और हम सब लोग जानते हैं कि 15 जून को राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी और उसी समय ये अधिकृत किया गया था पार्टी की ओर से कि हमारे वरिष्ठ नेता भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और मैं पार्टी के अध्यक्ष के रूप में विभिन्न घटक दलों से और हमारे जो यूपीए के पार्टियां हैं उनके नेता उनके साथ हम बातचीत करें और बातचीत करके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सर्वसम्मति बनाते हुए हम आगे बढ़ें। हमारे आदरणीय राजनाथ जी ने यूपीए के घटक दलों के नेताओं के साथ बातचीत की, कुछ के साथ उन्होंने बातचीत की, कुछ के साथ हमने बातचीत की। बातचीत का दौर चलता रहा लेकिन कोई सर्वसम्मति पर आने की बात हो नहीं पाई और नामों की चर्चा के बारे में भी कोई सर्वसम्मति नहीं हो पाई। और आज हम जानते हैं कि यूपीए ने अपना राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित कर दिया है, इसलिए आज की बैठक में हम सब लोग जो संसदीय बोर्ड के सदस्य थे सब इस मत के आए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपने सभी घटक दलों के साथ बातचीत करते हुए हम राष्ट्रपति चुनाव के में अपना प्रत्याशी घोषित करें, क्योंकि यूपीए ने घोषित कर दिया। हम चाहते थे कि सर्वसम्मति से कैंडिडेट आए, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से होता है तो अच्छा रहता है, लेकिन इस प्रकार का उन्होंने जब कैंडिडेट घोषित कर दिया तो हम लोगों ने आज बैठक में हमारे अपने एनडीए के घटक के लोगों के साथ बातचीत करते हुए और लगभग 20 नामों पर हमारे यहाँ लंबे दौर की चर्चा हुई, और चर्चा में सब लोगों के साथ बातचीत करते हुए एक सर्वसम्मति इस बात पर बनी कि सभी नामों पर चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए, और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर, और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था, और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे राधाकृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी पर द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा और वो टीचर के रूप में शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। बाद में वो काउंसलर भी बनी और वाइस चेयरपर्सन
रायरंगपुर की बनी और उसके बाद उन्होंने एक लंबा अरसा विधायक के रूप में देखा और विधायक के रूप में वह मंत्री बनने का भी उनको सौभाग्य मिला। उन्होंने सरकार में मंत्री के रूप में ही गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में ट्रांसपोर्ट कॉमर्स एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री और फिशरीज मिनिस्ट्री को भी उन्होंने संभाला और सबसे अच्छी बात यह भी रही कि उन्होंने नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए 2007 का वह भी उन्होंने अर्जित किया, उनको मिला और बाद में वो 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड स्टेट के गवर्नर रहीं। तो इस तरीके से उनका राजनीतिक जीवन रहा है। एक बहुत ही संवेदनशील महिला नेत्री जिन्होंने शिक्षा से अपने आप को जोड़ करके जीवन में आगे बढ़े और जो जो जिम्मेवारियां उनको दी गईं उन्होंने बहुत उत्तम तरीके से उसको निभाया है। इसलिए एनडीए ने और एनडीए के सभी घटक दलों के साथ बातचीत होते हुए आज संसदीय बोर्ड ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति के कैंडिडेट के रूप में घोषित किया है। बाकी जानकारियां और डिटेल हम देंगे, उनका बायोडाटा आपको अटैच कर दिया जाएगा। यही घोषणा मुझे करनी थी, तो ये भी सब डिटेल्स वर्कआउट होगा, हम लोग उसके दृष्टि से चर्चा करेंगे, लेकिन घोषणा हुई है यह मैं।